हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल ओवर फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स है, इसको कवर करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ में फैक्टर अफेक्टिंग एमडी मींस मोटर डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं, इफेक्ट करते हैं, मोटर डेवलपमेंट नहीं होने देते, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब बच्चा होता है तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। तो उन स्टेजेस पे कौन कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत है बच्चे को, ठीक है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे कुछ स्टेजेस हैं बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के, ठीक है। देख सकते हैं 5 स्टेज है और इसके बाद में हम पोस्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम पोस्चर की डिफरेंट डिफॉर्मिटीज होती है, लाइक हमारा नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो कि है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट रिलेट विद द स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन वाला मूवमेंट जो होता है बच्चे का, उससे वो रिलेट करता है। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की हेल्प से। मोटर डेवलपमेंट वर्क करता है बच्चे की बोन्स और मसल्स और उसकी चलने की क्षमता या मूविंग कैपेबिलिटी को अच्छा बनाने में, उसको एक्टिव बनाने में, उसकी बॉडी को एक्टिवली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। दो चीजें याद रखना, मोटर डेवलपमेंट वर्क ऑन द, मोटर डेवलपमेंट किस पे काम करता है, बच्चे की हड्डियों पे और उसकी मसल्स की ग्रोथ पे और उसकी चलने, मतलब चलने की क्षमता या आप मोबिलिटी बोल सकते हैं, उस पे वर्क करता है, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। एग्जांपल देता हूं मोटर डेवलपमेंट का आपको। एज द एज, अगर एज ग्रुप है आपका कितना, आपका एज ग्रुप है आपका 13 से 19 इयर्स के बीच का अगर बच्चा है, तो उसके लिए जो मोटर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी जिम करना या फिर एक्सरसाइज करना, हैवी वर्कआउट करना हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल आप कोई भी गेम, फुटबॉल खेलना या कुछ भी, दिस इज द मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मैं बात करता हूँ बेबीहुड, ठीक है, मतलब बच्चा बर्थ से लेके फर्स्ट ईयर तक के बीच में अगर बच्चा है, इस एज ग्रुप का बच्चा है, तो इसके लिए मोटर डेवलपमेंट का क्या एग्जाम्पल होगा, इसके लिए मोटर डेवलपमेंट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि क्रॉलिंग करना, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले क्रॉल करता है, बैठना सीखता है, मीन सिटिंग क्रॉलिंग आता है, एग्जांपल ऑफ द मोटर डेवलपमेंट एक्सरसाइज ऑफ बेबीहुड और इस एज ग्रुप का, ओके। तो चलिए अब आते हैं मोटर डेवलपमेंट के टाइप पे। मोटर डेवलपमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। बहुत सीधा सीधा बताऊंगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हम बच्चे के लार्ज मसल्स पे वर्क करते हैं, किस पे करते हैं, लार्ज मसल्स पे। और अगर फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हम बच्चे की स्मॉल मसल्स पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हम जब लार्ज मसल्स पे वर्क कर रहे हैं, मींस बच्चे को चलना फिरना भागना सिखाना या फिर जंपिंग सिखाना, मींस रनिंग, जंपिंग, स्टैंडिंग, ये सब चीजें किसमें आती है, ये सब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्पेशली क्या आता है, हैंड की मसल्स और फिंगर्स का वर्कआउट, ठीक है, हैंड मसल्स एंड फिंगर्स का मूवमेंट आता है, लाइक कैचिंग द बॉल हो गया, ठीक है, थ्रोइंग द बॉल हो गया या किकिंग द बॉल हो गया, ये सारी चीजें फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। समझ आ गया, क्लियर है। अब बात आती है नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट पे, ठीक है, इफेक्टिंग मतलब मोटर डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं, ओके। अब बात करते हैं पहले एग्जांपल की। सबसे पहला न्यूट्रिशन, अगर बच्चे को अच्छी डाइट नहीं दी जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा, तो वो मोटर डेवलपमेंट स्किल्स नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं होगी वो चीज परफॉर्म करने की। सेकंड, जेनेटिक रीजन हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक रीजन में हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारा डिफॉर्मिटी हो गया या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो गया, मींस बाय बर्थ उसको कोई भी डिफॉर्मिटी है या डिसेबिलिटी है। थर्ड हमारा एनवायरमेंट हो गया, अगर एक उसका अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो मोटर डेवलपमेंट स्किल्स नहीं परफॉर्म कर पाता है इतने अच्छे से, और करता भी है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारा फोर्थ इसमें एग्जांपल क्या आता है, बॉडी वेट, ठीक है, बच्चे का अगर बॉडी वेट ज्यादा होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और फिफ्थ एग्जाम्पल आप पोस्चर डिफॉर्मिटीज ले सकते हो, ठीक है, जैसे नॉकनी हो गया या कुछ भी हो गया, आप बोल सकते हो इट्स अ पोस्चर डिफॉर्मिटी कि वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स पता चल गए कौन से इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो मोटर डेवलपमेंट नहीं करने देते हैं बच्चे का, ओके। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे,
जो कि है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मींस बच्चा जब पैदा होता है और आगे तक चलता है तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की, तो उन सारी स्टेजेस में कौन सी एक्सरसाइज उनको कराई जाए जिसकी हेल्प से वो डेवलप हो या मोटर डेवलपमेंट की कौन सी वो एक्सरसाइज वो करें। ओके, तो चलिए पहला स्टेज देखते हैं हमारा। जो हमारा पहला स्टेज है वो है बेबीहुड। ठीक है, इसमें तीन चीजें याद रखिएगा, अभी बताता हूँ। इसमें हमें ड्यूरेशन याद रखनी है कि इस स्टेज का ड्यूरेशन कितना है। तो बॉडी का ड्यूरेशन कितना है, बाय बर्थ से लेके एक साल तक, मीन जब बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेके एक साल तक का जो टाइम है उसके बीच में उसको हम बेबीहुड स्टेज बोलते हैं। ओके, अब इसमें स्टेज में बच्चे को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता। बॉडी पे कंट्रोल किससे आता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से आता है ना। तो अगर हमें बच्चे की बॉडी पे कंट्रोल लाना है तो हमें उसको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। तो मींस इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बेबीहुड स्टेज है उसमें हम बच्चों को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कराते हैं। दो चीजें हो गई है, एक हो गया ड्यूरेशन कि इस स्टेज की ड्यूरेशन कितनी है, दूसरा कौन सा हो गया, कौन सी चीज हम कराते हैं, हम उसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कराते हैं। अब तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है एक्टिविटीज या एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्या कराते हैं बेबीहुड स्टेज में, हम बच्चे को, देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसमें बॉडी कंट्रोल नहीं है तो हम उसको क्या सिखाएंगे, सबसे पहले क्रॉलिंग करना सिखाएंगे, क्रॉलिंग से भी पहले हम उसको बैठना सिखाएंगे, मींस सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग और रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज हो गई। फिर से रिपीट करता हूं, सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, रोलिंग एक्टिविटीज हो गई, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हम कराते हैं और जो स्टेज का टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, बर्थ से 1 ईयर तक का। ओके, अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड स्टेज पे, जो हमारा इन्फेंशरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। क्या है, इन्फेंशरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकेंड स्टेज है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, क्या होता है हमारा ड्यूरेशन, 1 से 2 साल के बीच में। ठीक है, 1 ईयर to 2 ईयर्स के बिटवीन जो भी ड्यूरेशन होता है उसको हम इन्फेंशरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन पता चल गया। अब बच्चे ने क्या किया, उसने बैठना सीखा है, अभी भी कंप्लीट बॉडी कंट्रोल नहीं आया है, सिर्फ बैठना सीखा है, रोल करना सीखा है। ठीक है, तो इस वाली स्टेज में भी हम बच्चे को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ही कराते हैं। ठीक है, कौन सी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कराएंगे, सबसे पहली चीज इसमें जो ड्यूरेशन हो गया 1 to 2 ईयर्स का ड्यूरेशन हो गया। अब इसके बाद में कौन कौन सी चीजें बच्चा इसमें करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है इसमें बच्चा करता है, जैसे कि स्टैंडिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज बच्चा करता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों स्टेज में हम बच्चे के वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और न्यूट्रिशन पे। जब तक किसी को अच्छी डाइट नहीं मिलती है या फिर वैक्सीनेशन नहीं लगता है उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो सकती, हम कुछ भी कर लें वो डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें हमें वैक्सीनेशन और डाइट पे दोनों पे ध्यान रखना है। तो ये चीज पता चल गई, तीन चीजें इसकी पता चल गई। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेज पे, जो हमारा थर्ड स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की ड्यूरेशन हमारी कितनी है, 2 से 6 ईयर्स तक के बीच में ड्यूरेशन होगी, वो अर्ली चाइल्डहुड की होती है। एक चीज पता चल गई, दूसरी चीज इसमें हमने क्या किया, ग्रॉस किया, इसमें भी ग्रॉस किया। अब बच्चा हमारा चलना सीख गया है, ठीक है, चलना सीख गया है ना, अब उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें हम दोनों चीजों पे वर्क करते हैं, बच्चे के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पे भी वर्क करेंगे और फाइन मोटर डेवलपमेंट पे भी वर्क करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी वैक्सीनेशन लगभग खत्म हो जाती है बच्चे की, बट इसमें हम बच्चे के न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, जितने भी हमारी सारी स्टेजेस है इसमें हमें सब पे बच्चे की न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, और जो स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस है इसमें हमने बच्चे की वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस पे आते हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड पे, ड्यूरेशन 2 से 6 हो गया, ग्रॉस और फाइन दोनों पे वर्क करते हैं। अब बात आती है एक्टिविटीज की, कि कौन सी एक्टिविटीज हम इसमें बच्चे को कराते हैं। देखो, बच्चा क्रॉल भी करने लगा, खड़ा भी हो गया, ठीक है, वॉकिंग भी करने लगा, इसके बाद में बच्चा क्या करेगा, इसके बाद में बच्चा रनिंग करेगा। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड में हमें रनिंग हो गया, एक हमारी एक्टिविटी हो गया, एक हमारा जंपिंग हो गया, और रिक्रिएशन एक्टिविटीज हो गया। ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज किसमें आती है, जो मैंने एक्टिविटीज बताई थी वो हमारी ग्रॉस मोटर में आती है। ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आती है, और जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज है वो हमारी आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट में, लाइक थ्रोइंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल। ठीक है, इसमें फिंगर्स का यूज हो रहा है ना, हैंड मसल्स यूज हो रही है, तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं हम अपने
फोर्थ वाली स्टेज पे जो हमारा लेटरल चाइल्डहुड है, ठीक है, लेटरल चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी कौन सी स्टेज है, हमारी फोर्थ स्टेज है। ड्यूरेशन जान लेते हैं, ड्यूरेशन है इसमें 7 to 12 इयर्स का ड्यूरेशन है इसमें, ठीक है। अब इसमें भी हम वर्क करते हैं, ग्रॉस पे भी वर्क करते हैं, पॉइंट पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस पे कैसे वर्क करेंगे, ग्रॉस की एक्टिविटीज इसमें होती है, क्या एक्टिविटीज होती है ग्रॉस की, इसमें एक्टिविटीज होती है कि बच्चे को गेम में इन्वॉल्व करना, लाइक बच्चे को फुटबॉल खिलाना, ठीक है, एनी गेम, किसी भी गेम में उसको इन्वॉल्व करना, वो बच्चा गेम खेले, क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स और हमारी बॉडी की बोन स्ट्रांग होती है, पूरी बॉडी हमारी डेवलप होती है। तो ये हमारा ग्रॉस में हो गया। और रही बात फाइन में, आपके हैंड में भी उसी में यूज हो जाते हैं, ठीक है, लाइक वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो हैंड मसल्स यूज हो रही है ना, तो ये भी हमारा फाइन में आ जाता है। इसके साथ दो चीजें और कराते हैं बच्चे को, पहली चीज हम बच्चे को योगा करवाते हैं, दूसरी चीज बच्चे को मेडिटेशन कराते हैं, मींस हम बच्चे का कंसंट्रेशन पावर इसमें बढ़ाते हैं। ओके क्लियर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारा आता है एडोलिसेंस। देखिए ये इसका जो मैं बताता हूं, पहले ड्यूरेशन आपका 13 to 19 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। अब बात करते हैं एडोलिसेंस पे। एडोलिसेंस एक वो बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, पेरेंट्स के लिए भी होगी और बच्चों के लिए भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो यार बच्चों के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, सोशल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, दो चीजें हो गई। पेरेंट्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनको डर लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ होना चाहिए, वो गलत संगत में ना पड़ जाए, तो ये सब प्रॉब्लम पेरेंट्स के सामने आती हैं और बच्चों के सामने भी आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जब एडोलिसेंस एज में बच्चे पहुंचते हैं तो ज्यादातर गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन बहुत लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, आप बाहर मत जाइए, यहां मत कीजिए, ये मत कीजिए, क्यों, क्योंकि माँ बाप डर जाते हैं। बट इस समय माँ बाप को डरना नहीं चाहिए, इफ आपको अपनी कोई बात बतानी है तो एक बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को समझाइए ताकि वो समझे और उसको उस चीज का जो आप करेंगे, आप बाहर मत जाइए, रिस्ट्रिक्शन लगाइए, क्योंकि जब भी आप रिस्ट्रिक्शन किसी चीज पे लगाते हैं, ठीक है, और बच्चे का मन नहीं होगा तो वो डेफिनेटली वो काम करता है, बट किसी और तरीके से करता है। तो इससे रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स कि जब भी एडोलेसेंस एज आपके बच्चों की आती है तो प्लीज आप उन पे रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। अगर आपको कुछ भी लगाना है, ठीक है, आपको लगता है कि ये काम मत करिए, तो आप उनको एक एज अ फ्रेंड होके आप उनको समझाइए। ओके तो चलिए बैक टू द टॉपिक, आई एम सॉरी, ठीक है। अब एडोलेसेंस पे क्या होता है, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, सोशल चेंजेस भी होते हैं। ओके ठीक है, ड्यूरेशन हमें पता चल गई, हम इसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी वर्क करते हैं, फाइन पे भी वर्क करते हैं, क्योंकि अब बच्चे को अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल आ चुका है। इसमें हम बच्चे के लिए रेफर करते हैं कि वो वर्कआउट करे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, दो चीज हो गई, वर्कआउट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड योगा भी करे, ताकि कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके और अपनी स्टडीज को अच्छा रख सके। ओके ये आपका क्लियर हो गया, ये आपकी कितनी, पांचों स्टेज क्लियर हो गई, फैक्टर्स क्लियर हो गए और मोटर डेवलपमेंट क्लियर हो गया, और इनके दोनों टाइप भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी पॉस्चर की, ये वाला जो टॉपिक है वो हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, इट रियली मोटिवेट्स मी। ओके थैंक यू सो मच।